स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 20 जनवरी यानी वेंसडे की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके साथ ही क्लास 6 और क्लास 8 की भी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। तो शुरू करने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो वर्कशीट में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एडवर्ब हम क्यों यूज करते हैं, किसी वर्ब को क्वालिफाई, नहीं वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द कार मूव्ड स्लोली। हाउ डिड द कार मूव? स्लोली मैनर। तो यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमें क्या बताया गया है कि कार जो है वो धीरे धीरे चल रही है। तो अगर हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि कार कैसे चल रही है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड द कार मूव, यानी कार कैसे चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? स्लोली, यानी धीरे धीरे चल रही है। तो स्लोली जो है ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब ये किस प्रकार का एडवर्ब है? ये हो गया मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर दूसरा है आई सॉ अ नोटबुक देयर। तो यहाँ पे हम क्या पूछेंगे? देयर, यानी इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? मैंने वहां एक नोटबुक देखा। तो हम इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वेयर डिड आई सी अ नोटबुक? मैंने नोटबुक कहाँ देखी? तो कहाँ देखी का आंसर क्या होगा? देयर, यानी वहां देखी। तो ये देयर जो है वो हो गया हमारा एडवर्ब। तो देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस यानी जगह का एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कहाँ। मैनर में हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हाउ, यानी कैसे। फिर शी वन द रेस यस्टरडे। अब उसने रेस कब जीता ये क्वेश्चन हम पूछेंगे। वेन डिड शी विन द रेस? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यस्टरडे, यानी उसने रेस कल जीती। तो कल जो हो गया यानी यस्टरडे जो हो गया वो हो गया हमारा एडवर्ब। और ये कैसा एडवर्ब हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय का एडवर्ब। नेक्स्ट है दे गो आउट फॉर लंच वीकली। तो वो हर वीक लंच के लिए बाहर जाते हैं। तो वो हाउ ऑफन डू दे गो फॉर लंच, यानी वो लंच के लिए कब कब जाते हैं। तो ये हो जाएगा वीकली। यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी वो चीज होती है जो हम कभी कभी करते हैं या हम एक रोटेशन में, एक साइकिल में करते हैं। जैसे वीकली यानी वो हर वीक जाते हैं, ये उनका साइकिल चल रहा है, एक रोटेशन चल रही है कि वो इस हफ्ते जाते हैं, फिर अगले हफ्ते जाएंगे, फिर उसके अगले हफ्ते जाएंगे। तो जब इस तरीके का वर्ब आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ ब्यूटीफुल इज योर ड्रेस, यानी तुम्हारी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, यानी कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीमली, यानी बहुत सुंदर है। तो जब ऐसा एडवर्ब आता है तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। दस वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमें क्या क्या बताता है? किसी भी चीज का मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ अ वर्ब, तो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स अब हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द काइंड ऑफ एडवर्ब इन ईच सेंटेंस, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं वहां पे हमें बॉक्स में फिल करना है वर्ड्स, एडवर्ब्स फिल करने हैं। वो एडवर्ब्स कहाँ से मिलेंगे आपको? इस बॉक्स से मिलेंगे, ये सारे एडवर्ब्स दिए हुए हैं। फिर आपको इनके साथ साथ ये भी बताना है कि वो किस काइंड ऑफ एडवर्ब, यानी कौन सा एडवर्ब है। एग्जाम्पल के लिए आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है ही ईट्स हिज लंच कामली, यानी वो अपना लंच शांति से खाता है। तो ये क्या हो गया? कामली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरीके से बाकी एडवर्ब्स हमें फिल करने हैं और हमें साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो कौन से एडवर्ब्स हैं। तो सेकंड सेंटेंस है रमेश टेक्स कॉफी ओकेजनली। ओकेजनली यानी कभी कभी लेता है। तो अभी हमने कहा, हमने अभी देखा था फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई चीज कब कब होती है, यानी उसका साइकिल क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो कभी कभी लेता है। ये फ्रीक्वेंसी है कि वो ना डेली लेता है ना वो वीकली लेता है, वो बस कभी कभी लेता है। नेक्स्ट द वॉटर ऑफ रिवर वॉज राइजिंग ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? नदी का पानी कैसे बढ़ रहा है? तो कैसे का क्या हो जाएगा? हाउ। तो हाउ का क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ है इट वॉज एन इम्पोर्टेंट लेक्चर सो वी लिसेंड इट केयरफुली। तो यहाँ पे भी हमने कैसे सुना? हमने केयरफुली यानी बहुत ध्यान पूर्वक सुना। तो यहाँ केयरफुली भी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ
फिफ्थ है शी विल सून बिगिन टू डांस, यानी वो जल्द ही डांस करने लगेगी। तो कब डांस करने लगेगी, कब यानी हम पूछ रहे हैं समय, तो समय का क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी सून है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सिक्स्थ है आई कांट फाइंड हिम कामली, यानी मैं उसे आई कांट फाइंड हिम कामली, यहाँ पे कामली आपको क्योंकि वर्ड्स आपको पांच ही दिए हैं और आपके ब्लैंक्स है छह टोटल, तो कामली की जगह आप देयर लिख सकते हो क्योंकि कामली यहाँ पे नहीं होगा, कामली तो पहले यूज हो गया यहाँ पे ये वाले सेंटेंस पे एग्जांपल में, तो यहाँ पे आप लिख लेना आई कांट फाइंड हिम देयर। देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी किस जगह पे हम बात कर रहे हैं कि मैं उसे कहाँ नहीं ढूंढ पा रहा, तो आई कांट फाइंड हिम देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो आपको हमारी ये वाली वर्कशीट आज की कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इस वर्कशीट में कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाते हुए जाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।